गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? यस स्टडी वर्म, गुड इवनिंग गरिमा, गुड इवनिंग आद्या, गुड इवनिंग साहेब दास, गुड इवनिंग अनुश्री, गुड इवनिंग रिया खान, गुड इवनिंग रीमा गुप्ता, गुड इवनिंग रोशनी, गुड इवनिंग यूनिवर्स, गुड इवनिंग ज्योति, गुड इवनिंग आद्या, गुड इवनिंग ऋषु यादव, अवनीश त्रिपाठी। चलो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। तो नीट मॉडल 7 बायो का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। यस शिखा गुड इवनिंग, प्रशांत पटेल गुड इवनिंग, मनोज राणा गुड इवनिंग। सो हियर इज योर क्वेश्चन नंबर 91। मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। बायोडाइवर्सिटी नॉमेनक्लेचर टैक्सोनॉमी प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमी स्टडी। यस क्वेश्चन नंबर 91। तो प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमी स्टडी इज द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज। स्पेसिमेंस जो होते हैं ये एक्चुअली प्राइम सोर्स का काम करेंगे किसी भी टैक्सोनॉमिक स्टडी के लिए। और इसके बाद फिर टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स। नॉमेनक्लेचर इज सिंपली नेमिंग। नेमिंग किसके अकॉर्डिंग? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग। और बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी इज लार्ज वेराइटी, जैव विविधता, लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ए इज थर्ड, बी इज फोर्थ, सी इज फर्स्ट एंड डी इज सेकेंड। यस करेक्ट, यस जाकिर करेक्ट, फोर्थ डॉक्टर आशुतोष सरोज करेक्ट, यूनिवर्स करेक्ट, यस रिशु यादव, रिशु करेक्ट, कोमल यादव करेक्ट, अवनीश यस गुड इवनिंग। तो टैक्सोनॉमी, व्हाट इज टैक्सोनॉमी? टैक्सोनॉमी इज व्हाट आर द प्रोसेसेस बेसिक टू टैक्सोनॉमी? प्रोसेसेस दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी, प्रोसेसेस दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी कौन कौन से हैं? प्रोसेसेस दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी, यस करेक्ट करेक्ट यूनिवर्स, कांची वर्मा करेक्ट, यस कैरेक्टराइजेशन आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। कैरेक्टराइजेशन आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन एंड फाइनली नॉमेनक्लेचर, ये यही सीक्वेंस रहेगा। कैरेक्टराइजेशन आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, दीज आर द प्रोसेसेस दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी। सिस्टमैटिक्स, सिस्टमैटिक्स में क्या और इंक्लूड किया गया है? सिस्टमैटिक्स इज इक्वल टू टैक्सोनॉमी प्लस, सिस्टमैटिक्स इज इक्वल टू टैक्सोनॉमी प्लस, यस फाइलोजेनी करेक्ट, टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, रिलेशनशिप पे बेस्ड रही है। और सिस्टमैटिक्स वर्ड इज डिराइव फ्रॉम, सिस्टमैटिक्स वर्ड इज डिराइव फ्रॉम, सिस्टमैटिक वर्ड किससे आया है? सिस्टमैटिक्स वर्ड इज डिराइव फ्रॉम, यस यूनिवर्स करेक्ट, इज इट लैटिन और ग्रीक? यस लैटिन करेक्ट स्टडी वर्ब, लैटिन करेक्ट कीर्ति दास करेक्ट, लैटिन वर्ड सिस्टेमा, दिस इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टेमा करेक्ट। सो ये पहला क्वेश्चन हमारा था पेज नंबर एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 6 एंड 7।
Now we move to next question. Question number 92nd. After karyogamy followed by meiosis. Karyogamy ke baad meiosis, spores are produced endogenously. Endogenously kaun sa kis mein produce hoga? Neurospora, agaricus, Puccinia, Colletotrichum. Yes, Jyoti, correct. Avanish, correct. Kavita, B nahi hoga. Shikha, yes. Keti Das, B nahi. Agaricus aur Puccinia, ye kis class ko belong karenge? Agaricus and Puccinia, they belong to which class of fungus? Agaricus and Puccinia belongs to which class of fungus? Yes, study worm. Correct. Universe, correct. Yes, Avnish. Adya. Yes. Mr. Smart. Jyoti. Anushri, Asconi, Basidiomycetes. This belongs to Basidiomycetes. Aur Basidiomycetes mein spores kaise produce hote hain? Exogenously. Basidium pe. और कोलेटोट्राइकम, कोलेटोट्राइकम इज मेंबर ऑफ, कोलेटोट्राइकम का क्लास क्या होगा? कोलेटोट्राइकम इज मेंबर ऑफ, यस करेक्ट ज्योति, यूनिवर्स, अनुश्री, शहनशाह चांद, यस कीर्ति दास, स्टडी वर्म, रिशु यादव, यस यूनिवर्स करेक्ट, ड्यूट्रोमाइसिटीज करेक्ट, ड्यूट्रोमाइसिटीज. तो यहां पे सेक्सुअल स्पोर्ट्स की कोई बात ही नहीं है. ड्यूट्रोमाइसिटीज फंजाई इम्परफेक्टाई, परफेक्ट स्टेज इज एब्सेंट, सेक्सुअल स्टेज इज एब्सेंट. परफेक्ट स्टेज क्या है? सेक्सुअल स्टेज, परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज, ये एब्सेंट होगी, एब्सेंट. तो सेक्सुअल स्पोर्ट्स भी एब्सेंट. तो यहां पर न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा इज मेंबर ऑफ एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है ये. न्यूरोस्पोरा इज मेंबर ऑफ एस्कोमाइसिटीज एंड न्यूरोस्पोरा इज ऑल्सो नोन एज, न्यूरोस्पोरा इज ऑल्सो नोन एज, न्यूरोस्पोरा में जो स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे वो एस्कस के अंदर, एंडोस्पोर्स. यस आद्या, वेरी गुड. ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम. जेनेटिक्स और बायोकेमिस्ट्री में इसका यूज है. ड्रोसोफिला ऑफ, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम. करेक्ट, वेरी गुड. तो करेक्ट आंसर इज न्यूरोस्पोरा. करेक्ट. Now we move to next question. Question number 93rd. Ciliates differ from all other protozoans in. तो प्रोटोजोआ में जो ग्रुप्स हैं लोकोमोटरी ऑर्गन्स के बेसिस पे, प्रोटोजोआ में जो ग्रुप्स बनाए गए हैं लोकोमोटरी ऑर्गन्स के बेसिस पे. तो सीलिएट्स, फ्लैजिलेट्स, सूडोपोडिया और स्पोरोजोअन्स. तो यहां पे सीलिएट्स, सीलिएट्स में क्या डिफरेंट है जो बाकी में नहीं है? सेकंड कैसे हो जाएगा सोनाली? यस ज्योति, करेक्ट करेक्ट. अंशुमान, करेक्ट. शहनशाह, करेक्ट. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल तो बाकी में भी होगा. यहां पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, रिप्रोड्यूसेस बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन कैसा होगा? ट्रांसवर्स. सीलिएट्स के एग्जांपल क्या है? व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ सीलिएट्स? बट यहां डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस दिया नहीं है ज्योति. जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से कौन सा होगा? यस सीलिएट्स का एग्जांपल पैरामीशियम. तो पैरामीशियम में फिजन कैसा होता है? ट्रांसवर्स फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन.
और अमीबा में कैसा होगा? अमीबा में फिजन कैसा होगा? फिजन इन अमीबा इज, अमीबा में फिजन कैसा है? अमीबा में फिजन बाइनरी फिजन कैसा है? सिंपल। अमीबा में सिंपल या इररेगुलर? सिंपल या इररेगुलर। यूग्लीना में कैसा होगा? अगर प्रोटेस्टा की बात की जाए, यूग्लीना, यूग्लीना में बाइनरी फिजन कैसा है? टाइप ऑफ बाइनरी फिजन इन यूग्लीना, टाइप ऑफ बाइनरी फिजन इन यूग्लीना। यस ज्योति, लॉन्गिट्यूडनल, करेक्ट। यूग्लीना में लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। अमीबा में सिंपल बाइनरी फिजन, इररेगुलर बाइनरी फिजन। तो ये सिर्फ ट्रांसवर्स वाला प्रेजेंट होगा सीलिएट्स में, और स्पोरोजोन्स, जो स्पोरोजोन्स इसका ग्रुप है, इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होगा? लोकोमोटरी ऑर्गन इन स्पोरोजोन्स इज, लोकोमोटरी ऑर्गन इन स्पोरोजोन्स इज, यस अवनीश, वेरी गुड, एब्सेंट, करेक्ट। प्लाज्मोडियम विच कॉजेस मलेरिया किस ग्रुप को बिलोंग करेगा? सीलिएट्स है, फ्लैजिलेट्स है, प्लाज्मोडियम बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ? यस, इट इज स्पोरोजोअन्स, करेक्ट, स्पोरोजोआ ग्रुप का है, करेक्ट। और प्लाज्मोडियम कॉजेस मलेरिया, और सेरेब्रल मलेरिया इज कॉज्ड बाय, सेरेब्रल मलेरिया इज कॉज्ड बाय, सेरेब्रल मलेरिया किससे होगा? सेरेब्रल मलेरिया, ब्लैक वाटर फीवर, मैलिग्नेंट मलेरिया, दिस इज कॉज्ड बाय, यस, फैल्सीपेरम, करेक्ट अनुश्री, करेक्ट, फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, दिस कॉजेस सेरेब्रल मलेरिया, मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया, या फिर ब्लैक वाटर फीवर भी बोलते हैं उसको, यूरिन का कलर ब्लैक हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 93 वाज फ्रॉम पेज नंबर 22, एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 22। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। Which of the following organism have soap box like cell? The organism which is having soap box like cell, dinoflagellates, cyanobacteria, diatoms, euglenoids. Soap box like cell, epitheca and hypotheca. Yes, correct. Yes. यस करेक्ट, इट इज डाइएटम्स, डाइएटम्स। ऊपर वाली जो होगी उसको एपीथीका, और नीचे जो होगी उसको हाइपोथीका, जैसे सोप बॉक्स फिट होता है, साबुन की जो बट केस होता है उसका, सोप का केस, उस तरह से होगा, एपीथीका हाइपोथीका। और ये सिलिका का डिपोजिशन होगा, इससे बनेगा डायटोमेशियस अर्थ। डायएटोमाइट, इंडिस्ट्रक्टिबल, और डायएटम्स में फोटोसिंथेटिक होंगे, क्लोरोफिल कौन सा प्रेजेंट होगा? टाइप ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट इन डायएटम्स, टाइप ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट इन डायएटम्स, यस, पॉलिशिंग एंड फिल्टरिंग ऑफ सिरप्स, करेक्ट।
क्लोरोफिल ए एंड सी, क्लोरोफिल ए एंड सी, क्लोरोफिल ए एंड सी प्रेजेंट होगा डायटम्स में, क्लोरोफिल ए एंड सी। पेलिकल इनमें से किस में प्रेजेंट होगी? पेलिकल, पेलिकल इज प्रेजेंट किस में प्रेजेंट होगी? डायनोफ्लैजिलेट, साइनोबैक्टीरिया, डायटम्स, यूग्लिनोइड्स। पेलिकल इज प्रेजेंट इन, यस, यूग्लिनोइड्स, करेक्ट। सेल वॉल इज एब्सेंट और यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स में कौन से क्लोरोफिल प्रेजेंट होंगे? टाइप ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट इन यूग्लिनोइड्स। यस, आंसर सही है आप लोगों का। यूग्लिनोइड्स में सेल वॉल एब्सेंट होगी, पेलिकल प्रेजेंट होगा। यस, प्रोटीनेशियस लेयर, करेक्ट। यस, क्लोरोफिल ए एंड बी, कांची वर्मा, करेक्ट। ए एंड बी, क्लोरोफिल ए एंड बी। न्यूट्रिशन कैसा होगा? टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन यूग्लिना, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन यूग्लिना, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन यूग्लिना इज, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन, यस ज्योति, करेक्ट। मिक्सोट्रॉफिक, केसी भाई, करेक्ट। कविता सरोज, करेक्ट। अनुश्री, करेक्ट। सीमा सवानी, करेक्ट। आद्या, करेक्ट। कांची, करेक्ट। ज्योति, करेक्ट। शहनशाह, करेक्ट। शिखा, करेक्ट। मिस्टर स्मार्ट, डॉक्टर चंद्रशेखर, केसी भाई, अनुश्री, कविता, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट, वेरी गुड। मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज मिक्सोट्रॉफिक। सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेटिक रहेगा और वैसे प्रेडेट करेगा। क्वेश्चन नंबर 95th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको। ओव्यूल्स आर नॉट इंक्लोज बाई ओवरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म। हॉस्टेल्स आर इक्विजिटम। Selaginella is heterosporous while Equisetum is homosporous. Stem are usually branched in both Cycas and Cedrus. Yes, correct. This is D is incorrect. ब्रांच्ड इन बोथ साइकस एंड सेड्रस, गलत दिया हुआ है। सेड्रस में ब्रांच्ड है, साइकस में ये ब्रांच्ड नहीं है। तो आंसर हुआ फोर्थ। कोरोलॉइड रूट्स किस में प्रेजेंट होंगी? कोरोलॉइड रूट्स, कोरोलॉइड रूट्स आर प्रेजेंट इन साइकस, स्पाइनस, सेड्रस, किस में है? कोरोलॉइड रूट्स आर प्रेजेंट इन, यस, स्पाइनस एंड सेड्रस ब्रांच्ड, करेक्ट। यस, साइकस, करेक्ट। कोरोलॉइड रूट्स आर प्रेजेंट इन साइकस। और साइकस में मेल कौन प्रेजेंट है, या फीमेल कौन, या बोथ? मेल कौन प्रेजेंट है, फीमेल कौन प्रेजेंट है, या बोथ प्रेजेंट है? मेल कौन प्रेजेंट, फीमेल कौन इज प्रेजेंट, और बोथ इन साइकस? विच टाइप ऑफ कौन इज प्रेजेंट, विच टाइप ऑफ कोन इज प्रेजेंट? यस, वेरी गुड। बोथ नहीं, ओनली मेल कोन इज प्रेजेंट, फीमेल कोन इज एब्सेंट। मेल कोन इज प्रेजेंट, मेल कोन। अच्छा, लीव बियरिंग स्पोरेंजिया, लीव्स बियरिंग स्पोरेंजिया, आर नोन एज लीव्स बियरिंग स्पोरेंजिया। जिन लीव्स पे स्पोरेंजिया होंगे उनको लीव्स को क्या बोलेंगे? यस, वेरी गुड आकाश सेनापति, शहनशाह, वेरी गुड। स्पोरोफिल, वेरी गुड, स्पोरोफिल, लीव्स बियरिंग स्पोरेंजिया, स्पोरोफिल, माइक्रो स्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल। अगर ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाएंगी तो कौन, तो यहां पर मेल में जो होगा माइक्रोस्पोरोफिल्स, ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाएगा, कोन लाइक स्ट्रक्चर, सिर्फ मेल कोन प्रेजेंट होगा। स्पाइनस में मेल और फीमेल कोन दोनों प्रेजेंट होंगे। अच्छा, सिलेजिनेला इज हेट्रोस्पोरस, और हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स कौन से हैं? व्हाट आर द अदर हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स यू नो?
और हेटरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स कौन कौन से हैं? यस, सिलाजिनेला साल्विनिया, करेक्ट, सिलाजिनेला साल्विनिया एजोला आइसोइड्स मार्सिलिया। सिलेजिनेला साल्विनिया एजोला मार्सिलिया, दीज आर कॉमन जेनरा विच आर हेट्रोस्पोरस। करेक्ट। लार्जेस्ट ओव्यूल, लार्जेस्ट ओव्यूल, लार्जेस्ट मेल गैमीट, लार्जेस्ट ओव्यूल, लार्जेस्ट मेल गैमीट, लार्जेस्ट एग इन प्लांट किंगडम, लार्जेस्ट एग इन प्लांट किंगडम किस में होगा? एग्जाम्पल क्या है इसका? यस करेक्ट, यस साइकस, करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 95 वॉज फ्रॉम पेज नंबर 38, 38 से था ये, एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 38। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। मेल गैमेटोफाइट्स आर रिड्यूस्ड इन, मेल गैमेटोफाइट्स रिड्यूस किस में होंगे? मार्केशिया में, फ्यूनेरिया में, सिलाजिनेला में, पाइनस में। तो इन सब में सबसे ज्यादा रिड्यूस किस में होगा? यस जयंत, गुड इवनिंग। यस, ऑल क्रेडिट गोज टू साइकस, साइकस इज द विनर। यस पाइनस, वेरी गुड। तो मेल गैमेटोफाइट्स, जैसे जैसे हम लोग प्लांट किंगडम में आगे की तरफ बढ़ेंगे, मेल गैमेटोफाइट्स रिड्यूस होगा। करेक्ट, पाइनस। पाइनस में पॉलन ग्रेन किस स्टेज में रिलीज होता है? पॉलिनेशन किस स्टेज में होगा? कितने सेल्ड स्टेज में होगा? पाइनस में पॉलिनेशन किस सेल्ड, कितने सेल्ड स्टेज में होगा? यस आकाश, यस अंशुमान, करेक्ट, एसीपी, करेक्ट, फोर सेल्ड स्टेज, करेक्ट। एंजियोस्पर्म्स में यूजली टू सेल्ड स्टेज में, 60% में टू सेल्ड स्टेज में, साइकस में थ्री सेल्ड स्टेज में और पाइनस में फोर सेल्ड स्टेज में। पॉलिनेशन विल टेक प्लेस इन टू थ्री एंड फोर, करेक्ट। मार्केशिया, मार्केशिया इज मोनोइशियस और डायोशियस प्लांट, ये मोनोइशियस है या डायोशियस है? मार्केशिया कैसा है, मोनोइशियस है या डायोशियस है? मार्केशिया इज डायोशियस, यस करेक्ट करेक्ट। तो अगर पूछा जाए सीडलेस, सीडलेस स्पोर प्रोड्यूसिंग, सीडलेस स्पोर प्रोड्यूसिंग क्रिप्टोगैमिक ट्रैकियोफाइट क्या होगा आंसर? सीडलेस स्पोर प्रोड्यूसिंग क्रिप्टोगैमिक ट्रैकियोफाइट आंसर क्या होगा? कौन सा प्लांट ग्रुप होगा? सीडलेस क्रिप्टोगैमिक स्पोर प्रोड्यूसिंग, जिम्नो कैसे हो जाएगा? सीडलेस है, यस टेरिडोफाइट, करेक्ट, टेरिडोफाइट इज द करेक्ट आंसर। सीडलेस है तो सीडलेस कौन सा होगा? आइदर टेरिडो या ब्रायो हो सकता है, एल्गी हो सकता है, स्पोर प्रोड्यूसिंग क्रिप्टोगैमिक, लेकिन ट्रैकियोफाइट्स है। ट्रैकियोफाइट्स का मतलब वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट। तो यहां पर ये टेरिडोफाइटा इज द करेक्ट आंसर, टेरिडोफाइट। क्रिप्टोगैमिक कौन कौन से प्लांट ग्रुप होते हैं? क्रिप्टोगैमस कौन कौन से प्लांट ग्रुप हैं? Which plant groups are cryptogamous? Plant groups को दो, cryptogamous और phanerogamous। Cryptogamous
एंड फेनरोगेमस। क्रिप्टोगेमस कौन कौन से हैं? यस करेक्ट जयंत यादव। एल्गी ब्रायोटेरिडो करेक्ट, एल्गी ब्रायोटेरिडो करेक्ट करेक्ट। और ये क्वेश्चन था हमारा पेज नंबर 39, एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 97, विच वन इज रॉन्गली मैच्ड, फ्लैजिलेटेड गैमिट्स एब्सेंट, पॉलीसाइफोनिया, डायोशियस मार्केंशिया, ब्राइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स, ब्राउन एल्गी, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्लोरेला। इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, रॉन्गली मैच्ड कौन सा है? यस करेक्ट मिस्टर गौतम, एब्सोल्युटली करेक्ट। हर्षिता करेक्ट, ज्योति करेक्ट, सीमा करेक्ट, अनुश्री, स्टडी वर्म, निधि, सीमा, कोमल यादव करेक्ट, रवि रंजन, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दिस इज क्लोरेला। क्लोरेला कैसा है? यूनिसेलुलर। और ये किस क्लास को बिलोंग करता है, इसकी क्लास क्या होगी, क्लास क्या होगी? क्लास इज यस यूनिसेलुलर है करेक्ट। क्लास क्या होगी? यस क्लोरोफाइसी करेक्ट। क्लोरोफाइसी का मेंबर है ये, क्लोरोफाइसी। और बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स, फ्लैजिला की पोजीशन क्या होगी, फ्लैजिला की पोजीशन क्या होगी, पोजीशन कहां पर होगा, अपाइकल होगा, लेटरल होगा? ब्राउन एल्गी में फ्लैजिला कहां पर होगा, अपाइकल पोजीशन या लेटरल पोजीशन? यस लेटरल करेक्ट करेक्ट, पोजिशन इज लेटरल अनइक्वल। मोटाइल स्टेजेस ऑल टुगेदर एब्सेंट इन रेड एल्गी, कोई भी मोटाइल स्टेज नहीं होगी, ना फ्लैजिलेटेड गैमिट्स, ना फ्लैजिलेटेड स्पोर्स, ना वेजिटेटिव स्टेज। क्वेश्चन नंबर 98, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट्स, यस करेक्ट। सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ काइटिन इन फंगजाई एंड सेलुलोज इन प्लांटी करेक्ट। सीलिया आर लोकोमोटरी एंड हेल्प इन फीडिंग इन पैरामीशियम। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल इन ऑल किंगडम एक्सेप्ट मोनेरा। मशरूम बिलोंग्स टू एस्कोमाइसिटीज, गलत है। मशरूम किस क्लास को बिलोंग करेंगे? यस करेक्ट जयंत, मशरूम बिलोंग्स टू बेसिडियोमाइसिटीज करेक्ट। डाइकैरियन कंडीशन कहां पर प्रेजेंट होगी? डाइकैरियन कंडीशन, डाइकैरियन कंडीशन यस करेक्ट। एस्को एंड बेसिडियो करेक्ट। बेसिडियोमाइसिटीज में सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे या एब्सेंट होंगे? बेसिडियोमाइसिटीज सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट और एब्सेंट, सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट और एब्सेंट इन बेसिडियोमाइसिटीज
यस, सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट, करेक्ट, सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होंगे। काइटिन, काइटिन इज होमोपॉलीमर और हेट्रोपॉलीमर, होमोपॉलीमर और हेट्रोपॉलीमर, कैसा पॉलीमर है ये? होमो और हेट्रोपॉलीमर, काइटिन इज होमोपॉलीमर और हेट्रोपॉलीमर। यस चंद्रशेखर, अम्मार खान, जयंत, यस जयंत करेक्ट, कीर्ति दास करेक्ट, डॉक्टर डाक करेक्ट, ज्योति करेक्ट, यस होमोपॉलीमर, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन करेक्ट, दिस इज होमोपॉलीमर। क्वेश्चन नंबर 99, आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल्स कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉप एंड गिजर्ड इन इट्स डाइजेस्टिव सिस्टम। क्रॉप एंड गिजर्ड, एम्फीबिया, एव्स, रेप्टिलिया, ऑस्ट्रिक्थीज। यस रवि रंजन, गुड इवनिंग, यस बीटा 14 करेक्ट, ज्योति, यस एव्स। और एव्स कैसी होंगी, होम्योथर्मिक और एंडोथर्मिक और बोथ? एव्स आर होम्योथर्मिक और एंडोथर्मिक और बोथ। यस बोथ होम्योथर्मिक एंडियोथर्मिक, दे कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर अलॉन्ग विद मैमल्स। मैमल्स भी कैसे होंगे, होम्योथर्मिक एज वेल एज एंडोथर्मिक। मैमल्स एंड बर्ड्स दीज आर होम्योथर्मिक। अच्छा ऑस्ट्रिक्थीस, हेट्रोसर्कल और होमोसर्कल, हेट्रोसर्कल टेल या होमोसर्कल, कैसी टेल होगी, हेट्रोसर्कल और होमोसर्कल? होम्योथर्मिक एंडोथर्मिक वार्म ब्लडेड, इन सबका मतलब एक ही है। होमोथर्मिक एंडोथर्मिक वार्म ब्लडेड एक ही चीज है। टेल जो होगी वो इस तरह से इक्वली लोब्स में डिवाइडेड होती है, इक्वल लोब्स में। फिश में जो ऑस्ट्रिक्थीस के मेंबर हैं तो होमोसर्कल, हेट्रोसर्कल होगी कॉन्ड्रिक्थीस में, कॉन्ड्रिक्थीस में अनइक्वल लोब्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 100, विच वन ऑफ दीज एनिमल्स इज होम्योथर्म हैविंग कॉर्पस कैलोसम। होम्योथर्मिक हो और कॉर्पस कैलोसम भी प्रेजेंट है, होम्योथर्मिक एंड कॉर्पस कैलोसम इज प्रेजेंट। मकाका, कोलंबा, हाइला, नाजा, यस करेक्ट करेक्ट, कॉर्पस कैलोसम, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ब्रेन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रेन, किसके ब्रेन का कैरेक्टरिस्टिक है ये? यस करेक्ट जैन, मैमल्स, मैमेलियन ब्रेन करेक्ट, मैमल्स। और मकाका इज, मकाका क्या है, मकाका इज कॉमनली नोन एज, यस करेक्ट करेक्ट, मंकी, हमारे पूर्वज। कार्पस कैलोसम, कार्पस कैलोसम ये किसको कनेक्ट करेगा, दिस विल कनेक्ट, ये ट्रैक्ट ऑफ फाइबर्स है, दिस विल कनेक्ट, कॉर्पस कैलोसम विल कनेक्ट। मकाका इज मंकी, कंगारू नहीं।
यस करेक्ट, राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स, करेक्ट, राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स। सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स में जो वेंट्रिकल होती है कैविटी, उसका नाम क्या है? सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स में जो वेंट्रिकल प्रेजेंट है उसका नाम क्या है? वेंट्रिकल प्रेजेंट इन सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स इज नोन एज वेंट्रिकल, आद्या वेंट्रिकल कैविटी। कैविटी का नाम क्या है? यस आकाश करेक्ट, लेटरल वेंट्रिकल। यस पैरासील और लेटरल वेंट्रिकल, करेक्ट, लेटरल वेंट्रिकल और पैरासील, लेटरल वेंट्रिकल, करेक्ट, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 100 वाज फ्रॉम पेज नंबर NCERT 1, पेज नंबर 58, 58 पेज नंबर से था ये। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 101। पोटैटो इज मॉडिफाइड अंडरग्राउंड, ग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम, टैप रूट, एरियल स्टेम, एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट, यस करेक्ट, दिस इज मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम, करेक्ट। और एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट अराइज फ्रॉम रेडिकल और एनी पार्ट अदर देन द रेडिकल, कौन सा सही है? एनी पार्ट अदर देन द रेडिकल, यस एनी पार्ट अदर देन द रेडिकल, करेक्ट। तो रेडिकल से जो अराइज होगी वो कौन सी होगी? प्राइमरी रूट, प्राइमरी टैप रूट बनाएगी। और फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट अराइजेस फ्रॉम, फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट अराइजेस फ्रॉम, फाइब्रस रूट कहां से आएगी? फाइब्रस रूट विल अराइज फ्रॉम, यस बेस ऑफ स्टेम, करेक्ट करेक्ट, बेस ऑफ स्टेम। इसमें रेडिकल से जो प्राइमरी रूट बनेगी वो खत्म हो जाएगी, बेस ऑफ स्टेम से फिर निकलेंगी, बेस ऑफ स्टेम। इनिशियली प्राइमरी रूट इससे आएगी बट रूट्स जो होंगी वो फाइनली आएंगी बेस ऑफ स्टेम, करेक्ट। और क्वेश्चन नंबर 101 था ये, पेज नंबर 67। अच्छा टैप रूट में फ्यूजी फॉर्म रूट का एग्जाम्पल क्या है? फ्यूजी फॉर्म रूट, इसका एग्जाम्पल क्या है? फ्यूजी फॉर्म मतलब जो बीच में फूला हुआ हो, किनारे पे दोनों एंड पे पतला। फ्यूजी फॉर्म रूट का एग्जाम्पल क्या है? टैप रूट में कॉनिकल रूट, फ्यूजी फॉर्म रूट, नेपी फॉर्म, यस रेडिश, वेरी गुड, रेडिश। कैरेट नहीं, कैरेट कॉनिकल का है, रेडिश। क्वेश्चन नंबर 102। राइजोफोरा इज कैरेक्टराइज बाई ग्रोइंग इन स्वैम्पी एरिया, प्रेजेंस ऑफ न्यूमेटोफोर्स, निगेटिव जियोट्रॉपिक रूट्स, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 102, राइजोफोरा इज कैरेक्टराइज बाय, यस करेक्ट, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें प्रेजेंट होते हैं न्यूमेथोड्स, न्यूमेथोड्स, न्यूमेथोड्स प्रेजेंट होंगे या लेंटिसल्स प्रेजेंट होते हैं या बोथ?
इसमें जो पोर्स होते हैं छोटे छोटे उनको क्या बोलते हैं, न्यूमेथोड्स बोलते हैं या लेंटिसल्स बोलते हैं। इसमें जो छोटे छोटे पोर्स होंगे इसको क्या बोलेंगे, पोर इज फॉर रेस्पायरेशन। यस बोथ करेक्ट डॉक्टर डार्क, मिस्टर स्मार्ट ऑफिशियल वैभव करेक्ट, स्टडी वर्म वेरी गुड, अंशुमन पाठक वेरी गुड, यस इट इज बोथ, आद्या यस करेक्ट बोथ, न्यूमेथोड्स और लेंटिसल्स वेरी गुड। और ये रूट्स कैसी होंगी, निगेटिव जियोट्रॉपिक, और ये प्रेजेंट होते हैं मैंग्रोव प्लांट्स, मैंग्रोव प्लांट्स नियर नियर सी शोर, समुद्र के किनारे जो दलदली स्थान बनेगा वहां पर करेक्ट। तो 102 का करेक्ट आंसर, ये 102 वाज पेज नंबर 67, एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 67। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 103, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर मेड अप ऑफ सेलुलोज, क्यूटेन, सुब्रेन, सुबेरिन, लिग्निन। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर मेड अप ऑफ, यस करेक्ट सुबेरिन करेक्ट सुबेरिन। वैसे क्यूटिन, सुबेरिन, लिग्निन तीनों ही प्रेजेंट होंगे, क्यूटिन, सुबेरिन एंड लिग्निन, लिग्निन तीनों प्रेजेंट है बट मेजर पार्ट इज फ्रॉम सुबेरिन। तो सुबेरिन इज द करेक्ट आंसर। बायोलॉजिकल चेक पोस्ट की तरह कौन सी लेयर काम करेगी इन प्लांट, बायोलॉजिकल चेक पोस्ट, बायोलॉजिकल चेक पोस्ट एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल कौन सी लेयर काम करेगी, एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल, यस करेक्ट एंडोडर्मिस करेक्ट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। और कैस्पेरियन स्ट्रिप्स क्या है, दीज आर सेल वॉल मटेरियल जो स्ट्रिप्स के फॉर्म में होंगे, इसलिए कैस्पेरियन स्ट्रिप नाम दिया गया है। और सुबेरिन, सुबेरिन इज वाटर परमिएबल और इम्परमिएबल, ये वाटर परमिएबल होगा या इम्परमिएबल होगा, वाटर परमिएबल और इम्परमिएबल, वाटर परमिएबल और इम्परमिएबल, यस वाटर इम्परमिएबल करेक्ट, दिस इज वाटर इम्परमिएबल। और ये चेक करेगा एपोप्लास्ट मूवमेंट को करेक्ट। 103 वॉज फ्रॉम पेज नंबर 91। अच्छा पैसेज सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट होती है, पैसेज सेल्स, पैसेज सेल्स किस लेयर में प्रेजेंट होंगी, पैसेज सेल्स, पैसेज सेल्स किस लेयर में प्रेजेंट होंगी, यस एंडोडर्मिस में, थिन वॉल्ड करेक्ट एंडोडर्मिस, जहां पर ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स थिकनिंग एब्सेंट हो गए, एंडोडर्मिस करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 104, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर वैस्कुलर कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम, यस करेक्ट। 104th इज ए, मोर एक्टिव ऑन इनर साइड, जाइलम ज्यादा बनाएगी, मोर एक्टिव ऑन द इनर साइड, करेक्ट स्टेटमेंट इज मोर एक्टिव ऑन द इनर साइड, लेस प्रोडक्शन नहीं, मोर प्रोडक्शन ऑफ जाइलम, मोर प्रोडक्शन ऑफ फ्लोएम नहीं, लेस प्रोडक्शन ऑफ फ्लोएम एंड रिमेन डॉर्मेंट एक्टिव इन स्प्रिंग सीजन। और ऑल टिश्यूज आउटसाइड वेस्कुलर कैम्बियम कॉन्स्टिट्यूट, ऑल टिश्यूज आउटसाइड वेस्कुलर कैम्बियम, ऑल टिश्यूज आउटसाइड वेस्कुलर कैम्बियम कॉन्स्टिट्यूट, वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर जो भी टिश्यूज हैं वो क्या बनाएंगे, ऑल टिश्यूज आउटसाइड वेस्कुलर कैम्बियम विल फॉर्म,
यस बार्क, करेक्ट बार्क। स्टील क्या है? ऑल टिश्यूज इनसाइड, ऑल टिश्यूज इनसाइड। कौन सी लेयर? यस नॉन टेक्निकल टर्म, करेक्ट। यस एंडोडर्मिस, करेक्ट। नंदिता, करेक्ट। ज्योति, पांडुरंग, गलत। पेरिसाइकिल नहीं, एंडोडर्मिस। यस करेक्ट। ऑल टिश्यूज इनसाइड एंडोडर्मिस कॉन्स्टिट्यूट स्टील। तो स्टील ये, इसको स्टील ही बोलेंगे। और टिश्यूज आउटसाइड द वेस्कुलर कैम्बियम, दिस विल कॉन्स्टिट्यूट बार्क। और ये 104 क्वेश्चन नंबर था, पेज नंबर 98, NCERT 1 पेज नंबर 98 से। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 105। सेकेंडरी कॉर्टेक्स एंड सेकेंडरी फ्लोएम इन डाइकॉट स्टेम इज प्रोड्यूस्ड बाय। सेकेंडरी कॉर्टेक्स एंड सेकेंडरी फ्लोएम इन डाइकॉट स्टेम इज प्रोड्यूस्ड बाय अपाइकल मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम, फेलोजेन एंड कॉर्क कैम्बियम एंड वेस्कुलर कैम्बियम। क्वेश्चन नंबर 105। यस करेक्ट। 105 इज थर्ड, करेक्ट। कॉर्क कैम्बियम एंड वैस्कुलर कैम्बियम रेस्पेक्टिवली। कॉर्क कैम्बियम इज ऑल्सो नोन एज फेलोजेन, दिस इज फेलोजेन एंड दिस विल प्रोड्यूस ऑन द आउटर साइड और इनर साइड। इनर साइड पे सेकेंडरी कॉर्टेक्स और बाहर की तरफ ही क्या प्रोड्यूस करेगी? कॉर्क कैम्बियम ऑन द आउटर साइड विल प्रोड्यूस। यस करेक्ट। कॉर्क और फेलम, करेक्ट। कॉर्क फेलोजन एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स, इन सबको मिलाकर के बोला जाएगा पेरिडर्म। अच्छा फेलोजन, फेलोजन जो होगा ये पैरेन्काइमेटस सेल्स, पैरेन्काइमेटस सेल्स के डी डिफरेंशिएशन से या डी डिफरेंशिएशन से, डिफरेंशिएशन से या डी डिफरेंशिएशन से बनेगा? पैरेन्काइमेटा सेल्स के डिफरेंशिएशन से या डी डिफरेंशिएशन से? कॉर्क कैम्बियम, पैरेन्काइमेटा सेल्स से डिफरेंशिएशन और डी डिफरेंशिएशन। यस अनुश्री, करेक्ट। अवनीश, करेक्ट। निधि वर्मा, करेक्ट। साक्षी सिंह, करेक्ट। अबरार खान, करेक्ट। अपडेट गौतम, करेक्ट। यस कविता सरोज, दिस इज थ्रू डी डिफरेंशिएशन, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 106। स्टोमेटा इन पी लीफ आर रेक्टेंगुलर, डंबल शेप्ड, किडनी शेप्ड, बैरल शेप्ड। स्टोमेटा इन पी लीफ आर, स्टोमेटा इन पी लीफ आर, यस पी लीफ इज डाइकॉटिलेडनस, करेक्ट। तो पी कैसा होगा, एंडोस्पर्मिक या नॉन एंडोस्पर्मिक? एंडोस्पर्मिक है ये या नॉन एंडोस्पर्मिक? यस किडनी शेप है, करेक्ट। यस दिस इज नॉन एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्मिक नहीं, नॉन एंडोस्पर्मिक। कॉटिलिडन्स प्रेजेंट है, डाइकॉटिलिडन्स, एंडोस्पर्म विल बी कंज्यूम्ड। डंबल शेप, डंबल शेप प्रेजेंट होगा ग्रासेस में। स्टोमेटल अपरेटस,
स्ट्रोमेटल अपरेटस, इसमें कितने कंपोनेंट्स हैं? स्ट्रोमेटल अपरेटस इज मेड अप ऑफ, स्ट्रोमेटल अपरेटस इज मेड अप ऑफ स्ट्रोमेटल अपर्चर, सब्सिडरी सेल्स, और तीसरा क्या है? एंड थर्ड वन इज स्टोमेटल अपरेटस इज मेड अप ऑफ, यस थ्री कंपोनेंट्स, तीसरा क्या होगा? थर्ड पार्ट इज यस गार्ड सेल्स, करेक्ट गार्ड सेल्स। और इनमें से क्लोरोप्लास्ट किसमें प्रेजेंट होगा? क्लोरोप्लास्ट किसमें प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन स्टोमेटल अपर्चर, किसमें से? स्टोमेटल अपरेटस में से किसमें से क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है? यस करेक्ट, गार्ड सेल्स आर विद क्लोरोप्लास्ट, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज यूज टू आइडेंटिफाई ए फीमेल कॉकरोच फ्रॉम ए मेल कॉकरोच? फीमेल कॉकरोच को मेल कॉकरोच से डिफ्रेंशिएट करने के लिए, प्रेजेंस ऑफ ए बोर्ड शेप्ड स्टर्नम ऑन द नाइन्थ एब्डोमिनल सेगमेंट, फोर विंग्स आर थिनर विद डार्कर टेग्मिना, प्रेजेंस ऑफ एनल स्टाइल्स, प्रेजेंस ऑफ एनल सर्की। क्वेश्चन नंबर 107, यस करेक्ट ज्योति, कविता सरोज सी नहीं होगा। एनल स्टाइल्स मेल में प्रेजेंट होंगे, यूज टू आइडेंटिफाई ए फीमेल कॉकरोच, फीमेल को आइडेंटिफाई करना है, तो प्रेजेंस ऑफ बोर्ड शेप्ड स्टर्नम ऑन द नाइन्थ एब्डोमिनल सेगमेंट, सेवेंथ वाला एट्थ और नाइन्थ के साथ मिलकर के क्या बनाता है? सेवेंथ स्टर्ना एट्थ और नाइन्थ के साथ फ्यूज होकर के क्या बनाएगा? एट्थ एंड नाइन्थ, यस मेल्स इन स्टाइल, एनल सर्की इज कॉमन बोथ मेल एंड फीमेल, यस ब्रूड पाउच, करेक्ट दिस इज ब्रूड पाउच। करेक्ट, फोर विंग्स, फोर विंग्स आर अटैच टू मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स, फोर विंग्स आर अटैच टू मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स, फोर विंग्स आर अटैच टू मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स, यस मीजोथोरेक्स, करेक्ट मीजोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स के टर्गम से, टर्गाइट से, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 108, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज नॉट पजेस नेफ्रीडिया और मेलपीजियन ट्यूब्यूल? नेफ्रीडिया और मेलपीजियन ट्यूब्यूल किसमें नहीं प्रेजेंट है? अर्थवॉर्म, एनाफिलीज, कॉकरोच, स्टारफिश। क्वेश्चन नंबर 108, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज नॉट प्रेजेंट, डज नॉट पजेस नेफ्रीडिया और मेलपीजियन ट्यूब्यूल? यस करेक्ट, करेक्ट स्टारफिश। नेफ्रीडिया किसमें प्रेजेंट होगा? एनिलिडा, फाइलम एनिलिडा में, मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स आर्थ्रोपोडा, तो यहां पे अर्थवर्म, एनाफिलीज, कॉकरोच, ये एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा, स्टारफिश एक आयनोडर्मेटा, एक आयनोडर्मेटा एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रेजेंट और एब्सेंट इन एक आयनोडर्मेटा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रेजेंट और एब्सेंट, एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होगा, प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा? इन इकाइनोडर्मेटा एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रेजेंट और एब्सेंट, यस करेक्ट इट इज एब्सेंट, एब्सेंट। तो इसका मेन नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होगा? अमोनिया। और इसका एक्सक्रीशन किसके थ्रू होगा?
एक्सक्रीशन इज थ्रू, एक्सक्रीशन इज थ्रू, अमोनिया इज एक्सक्रीटेड थ्रू विच सिस्टम, अमोनिया इज एक्सक्रीटेड थ्रू विच सिस्टम इन इकाइनोडर्मेटा? अमोनिया इज एक्सक्रीटेड मेनली थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहां पर जो सीलोम प्रेजेंट होगी, इकाइनोडर्मेटा में जो सीलोम प्रेजेंट होगी वो साइजोसील होगी या एंट्रोसील? टाइप ऑफ सीलोम साइजोसीलोम या एंट्रोसील? सीलोम कैसी है, साइजोसील या एंट्रोसील? साइजोसील या एंट्रोसील? यस एंट्रोसील, करेक्ट एंट्रोसील। ये आर्केंट्रॉन की आउट पाउचिंग से बनेगी, आर्केंट्रॉन प्रिमिटिव गट, आर्केंट्रॉन प्रिमिटिव गट, इनिशियल स्टेज में जो गट बनती है आर्केंट्रॉन, उसकी आउट पाउचिंग से, करेक्ट एंट्रोसील स्टारफिश। और स्टारफिश में रीजनरेशन की एबिलिटी काफी ज्यादा होगी, ऑटोटॉमी। ट्रू और फॉल्स, स्टारफिश विल शो ऑटोटॉमी एंड रीजनरेशन? स्टारफिश विल, स्टारफिश विल शो रीजनरेशन एंड ऑटोटॉमी, ट्रू और फॉल्स? यस ट्रू, करेक्ट, दिस इज ट्रू। ऑटोटॉमी अपनी खुद की आर्म को खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा, गिरा देगा और रीजनरेट कर लेगा, रीजनरेशन की एबिलिटी होगी, हाई रीजनरेशन एबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 109, द एसईआर एंड गॉल्गी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट्स इन रिस्पेक्टिवली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गॉल्गी कॉम्प्लेक्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गॉल्गी कॉम्प्लेक्स। यस करेक्ट, स्टेरॉइड सिंथेसिस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर स्टेरॉइड सिंथेसिस एंड गॉल्गी कॉम्प्लेक्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल्स, करेक्ट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 110, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोकैरियोटिक फीचर? नॉट ए प्रोकैरियोटिक फीचर, प्रोकैरियोट्स में जो नहीं प्रेजेंट है, 70S राइबोसोम, क्रोमैटोफोर, साइटोस्केलेटन, मीजोसोम्स? यस करेक्ट, 110 इज सी, साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन ये यूकैरियोटिक फीचर है, और साइटोस्केलेटन में कौन कौन से किस टाइप के फाइबर्स हैं? साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ, साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ, यस थ्री टाइप्स, करेक्ट, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, करेक्ट करेक्ट, साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स। मीजोसोम इज इक्विवेलेंट टू विच, इक्विवेलेंट टू विच यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल? एक मीजोसोम्स, दीज आर इक्विवेलेंट टू विच यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल? यस करेक्ट, माइटोकॉन्ड्रिया।
और क्रोमैटोफोर, क्रोमैटोफोर यस क्लोरोप्लास्ट, करेक्ट, क्लोरोप्लास्ट के इक्विवेलेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट इन कौन कौन से स्ट्रक्चर से फॉर्म करेंगे, बेसल बॉडी, सीलिया, फ्लैजेला और माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। माइक्रोट्यूब्यूल्स किसके बने होंगे, ट्यूबुलिन प्रोटीन के, बेसल बॉडी में प्रेजेंट होगा, सीलिया में, फ्लैजिला में और किसमें, यस अंशुमान करेक्ट, सेंट्रियोल, सीलिया, फ्लैजिला, बेसल बॉडी, स्पिंडल फाइबर्स एंड सेंट्रियोल, करेक्ट, सेंट्रियोल में और स्पिंडल फाइबर्स में, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 111, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, रॉन्ग फॉर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल मेम्ब्रेन्स, द आउटर मेम्ब्रेन्स यूजली रिमेन्स कॉन्टिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर्स, इट इज साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल सिंथेसिस। यस करेक्ट, सो व्हाट इज द साइट फॉर राइबोसोमल सिंथेसिस, राइबोसोमल सिंथेसिस कहां पर होगी, राइबोसोमल सिंथेसिस कहां पर होगी, यस न्यूक्लियोलस करेक्ट, न्यूक्लियोलस। ऑर्गेनेल्स विच आर विदाउट एनी मेम्ब्रेन, ऑर्गेनेल्स नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन कौन कौन से हैं, नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन कौन कौन से हैं, ऑर्गेनेल्स नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन आर, यस करेक्ट कीर्ति दास, राइबोसोम, न्यूक्लियोलस, सेंट्रियोल एंड इंक्लूजन बॉडीज, इंक्लूजन बॉडीज, दीज आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 112, द टू ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अमाइनो एसिड्स आर, टू ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अमाइनो एसिड्स आर हाइड्रोक्सिल एंड मेथिल, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड मेथिल, कार्बोनिल एंड फॉस्फेट, अमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, यस शाहरुख गुड इवनिंग, यस करेक्ट, अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, करेक्ट। एसिडिक अमाइनो एसिड्स, एसिडिक अमाइनो एसिड एग्जाम्पल्स आर, एसिडिक अमाइनो एसिड के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ एसिडिक अमाइनो एसिड, यस ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड, करेक्ट, ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड्स,
बेसिक अमाइनो एसिड एग्जाम्पल्स, बेसिक अमाइनो एसिड के एग्जाम्पल यस लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन। करेक्ट कीर्तिदास, लाइसिन, हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन। लाइसिन, हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन, करेक्ट। ऑल थ्री आर बेसिक। न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स, न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स, न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स आर यस वैलिन, यस गवली, याद रखो गवली, ग्लाइसिन, एलालिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, दीज आर न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। क्वेश्चन नंबर 113, सेलेक्ट द करेक्ट मैच, राइबोन्यूक्लियेसेस, लिपिड्स, ग्रिफिथ्स, ट्रांसडक्शन, एफ टू का क्रॉस रिसेसिव पेरेंट्स के साथ, मेंडेलियन टेस्ट क्रॉस, हर्शेन चेज ट्रांसफॉर्मेशन। यस करेक्ट, 113 इज सी करेक्ट। सेलेक्ट द करेक्ट मैच, एफ टू जनरेशन का क्रॉस अगर हम रिसेसिव पेरेंट के साथ कराएंगे, दिस इज टेस्ट क्रॉस, करेक्ट। और ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, दिस वॉज डन बाय, ट्रांसफॉर्मेशन वॉज डन बाय, यस करेक्ट है, टेस्ट क्रॉस, एफ टू का रिसेसिव पेरेंट के साथ, और एफ टू का अगर पेरेंटल जनरेशन के साथ हो, रिसेसिव या डोमिनेंट किसी के साथ, तो उसे बैक क्रॉस। यू कैन लीव योर प्रॉब्लम्स इन द कमेंट बॉक्स प्रफुल्ल यादव, आई विल आंसर इट। यस ग्रिफिथ्स करेक्ट। ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और सॉर्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है ये या सॉर्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। यस जेंडर एंड लेडर बग, करेक्ट केसी भाई, यस आद्या, दिस इज सॉर्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि गैमीट्स नहीं बनेंगे, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुआ है बट गैमीट्स आर नॉट फॉर्म। और राइबोन्यूक्लियेसेस ये क्या है, राइबोन्यूक्लियेसेस आर, राइबोन्यूक्लियेसेस आर, राइबोन्यूक्लियेसेस क्या है ये, यस करेक्ट, दीज आर एंजाइम्स, एंजाइम्स विच विल डाइजेस्ट न्यूक्लिक एसिड, तो ये एंजाइम्स है, प्रोटीन, राइबोन्यूक्लियेसेस आर प्रोटीन, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 114, द स्टेज ड्यूरिंग विच यूनियन ऑफ द पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स बिगिंस, द स्टेज ड्यूरिंग विच यूनियन ऑफ द पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स, पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स बिगिंस, पैकेटीन, डाइकाइनेसिस, डिप्लोटीन, जायगोटीन। यस करेक्ट, जायगोटीन, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, जायगोटीन, करेक्ट। डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ये किस स्टेज में होगा, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, यस डिप्लोटीन, करेक्ट करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 115, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब ह्यूमन म्यूकोसा ऑफ एलिमेंट्री कैनाल? मिडल लेयर ऑफ द कैनाल, दिस लेयर फॉर्म्स इररेगुलर फोल्डिंग्स इन इंटेस्टाइन, दिस लेयर फॉर्म्स क्रिप्स इन बिटवीन बेसिस ऑफ विलाई इन इंटेस्टाइन, म्यूकोसा लाइनिंग फॉर्म्स माइक्रोविलाई। तो आउटसाइड टू इनसाइड सिरोसा, सबसे बाहर की तरफ क्या होगी? सिरोसा। सिरोसा के अंदर फिर मस्कुलेरिस, मस्कुलर लेयर, उसके नीचे सीक्वेंस क्या होगा? फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, सिरोसा, मस्कुलेरिस, देन यस करेक्ट यूनिवर्स, सबम्यूकोसा, देन म्यूकोसा, करेक्ट, सबम्यूकोसा, देन म्यूकोसा, और म्यूकोसा विल फॉर्म र्यूगी। र्यूगी किस में फॉर्म होगा, किस पार्ट में, जीआईटी के किस पार्ट में र्यूगी? यस आंसर सही है आप लोगों का। दिस लेयर फॉर्म क्रिप्स इन बिटवीन बेसिस ऑफ विलाई इन इंटेस्टाइन, विलाई के बीच में यहां पर क्रिप्स होंगे इस तरह से। यस र्यूगी आर प्रेजेंट इन स्टमक, करेक्ट। ऑब्लिक मसल लेयर इज प्रेजेंट इन, ऑब्लिक मसल लेयर, एडिशनल ऑब्लिक मसल लेयर, ये किस में प्रेजेंट है? ऑब्लिक मसल लेयर इज प्रेजेंट इन, ऑब्लिक मसल लेयर इज प्रेजेंट इन, यस दिस इज प्रेजेंट इन स्टमक, करेक्ट। ऑब्लिक मसल लेयर इज प्रेजेंट इन स्टमक। तो सबसे बाहर लॉन्गिट्यूडनल, फिर सर्कुलर, फिर ऑब्लिक मसल लेयर। क्वेश्चन नंबर 106, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक सेल्स डायरेक्टली हेल्प इन प्रोटीन डाइजेशन? प्रोटीन डाइजेशन में कौन सी डायरेक्टली हेल्प करेंगी? चीफ सेल्स, गॉबलेट सेल्स, म्यूकस सेल्स, पैराइटल सेल्स? नहीं अवनीश, फोर्थ नहीं। यस सीमा सहानी करेक्ट, अंशुमान करेक्ट, वानी फैजान करेक्ट, अनुश्री करेक्ट, अवंतिका करेक्ट, सूर्य प्रकाश करेक्ट, मिस्टर स्मार्ट, कीर्ति दास, अंजलि, विभा, वैदिता, यस प्रशांत, यस करेक्ट। चीफ सेल्स, चीफ सेल्स आर ऑल्सो नोन एज, चीफ सेल्स आर ऑल्सो नोन एज, चीफ सेल्स ये बेसल पोजीशन पे होंगी, और चीफ सेल्स के बाकी नाम क्या है? चीफ सेल्स आर ऑल्सो नोन एज, यस पेप्टिक सेल्स और जाइमोजेनिक सेल्स, दीज आर ऑल्सो नोन एज पेप्टिक सेल्स और जाइमोजेनिक सेल्स, जाइमोजेनिक। जाइमोजेन मतलब क्या हुआ? जाइमोजेन इज जाइमोजेन क्या है? जाइमोजेन यस इनएक्टिव एंजाइम, प्रिकर्सर ऑफ एंजाइम, इनएक्टिव एंजाइम, प्रिकर्सर ऑफ एंजाइम। प्रो एंजाइम, करेक्ट। पैराइटल सेल्स, पैराइटल सेल्स विल सिक्रीट HCl और HCl के अलावा और क्या? पैराइटल सेल्स विल सिक्रीट यस HCl और इसके अलावा HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर, यस कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, करेक्ट। HCl एंड कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, और पैराइटल सेल्स आर ऑल्सो नोन एज ऑक्सेंटिक सेल्स, दीज आर ऑल्सो नोन एज ऑक्सेंटिक सेल्स।
intrinsic factor for vitamin B12 absorption. Question number 117. Which of the following options correctly represent the lungs condition in asthma and emphysema? Asthma and emphysema respectively. Difficulty in breathing causing wheezing, chronic disorder, decreased respiratory surface, inflammation of bronchi, cigarette smoking, inflammation of bronchi, decreased respiratory surface, damaged alveoli. Question number 117. यस करेक्ट. तो ब्रोंको स्पैज्म होगा जिसकी वजह से डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग वीजिंग, विसल लाइक साउंड सुनाई पड़ेगी, वीजिंग. और एम्फाइसिमा इज क्रॉनिक डिसऑर्डर जिसमें एल्वियोलर वॉल्स आर डैमेज्ड, रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया इज डिक्रीज्ड. और अस्थमा इज टाइप ऑफ एलर्जी, एलर्जिक डिसऑर्डर. इसमें मास्ट सेल से कौन से केमिकल्स रिलीज होंगे, मास्ट सेल से कौन से केमिकल्स रिलीज होंगे? ब्लू से ही सबसे अच्छा दिखता है शिवा सिंह, आप ही लोगों के कहने पे ब्लू यूज किया है. यस, हेपेरिन, हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन. करेक्ट मिस्टर स्मार्ट. हेपेरिन, हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन. करेक्ट करेक्ट. डी में डिक्रीज्ड रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया, डैमेज्ड एल्वियोलाई. ये दोनों कंडीशन किसके लिए है? ये एम्फाइसिमा के लिए दोनों ही. अस्थमा में क्या होता है? ब्रोंको स्पैज्म होता है. ब्रोंको स्पैज्म. एलर्जी की कंडीशन. क्वेश्चन नंबर 118. मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम वन विद दोज इन कॉलम टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो. इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी एंड टोटल लंग्स कैपेसिटी. तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है? टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. थर्ड, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सहेल्ड आफ्टर मैक्सिमम इनहेलेशन. तो वाइटल कैपेसिटी में ईसी प्लस आईआरवी. टोटल लंग कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम. तो ए इज थर्ड, बी इज फर्स्ट, सी का सेकंड हो गया और डी का फोर्थ. थ्री वन टू फोर. क्वेश्चन नंबर 119. व्हेन हार्ट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड ऑफ बॉडी. तो पंपिंग फेल्योर, पंपिंग फेल्योर इज हार्ट फेल्योर. पंपिंग फेल्योर इज हार्ट फेल्योर. कार्डियक अरेस्ट का मतलब क्या हुआ? कार्डियक अरेस्ट व्हेन हार्ट स्टॉप्स, हार्ट स्टॉप्स
यस, पंपिंग फेल्योर इज हार्ट फेल्योर। यस, हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, करेक्ट। व्हेन हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, करेक्ट। हार्ट अटैक, हार्ट अटैक ऑल्सो नोन एज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, इन्फार्क्शन, हार्ट अटैक। इसमें क्या होगा? यस मिस्टर स्मार्ट, दिल का रुक जाना, करेक्ट। यस करेक्ट। मसल डेथ, कार्डियक मसल डेथ ड्यू टू सीजेशन ऑफ ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई का रुक जाने की वजह से, ड्यू टू सीजेशन ऑफ ब्लड सप्लाई, करेक्ट। एंजाइना, एंजाइना इज चेस्ट पेन, एंजाइना इज चेस्ट पेन ड्यू टू, किस वजह से होगा ये? एंजाइना इज चेस्ट पेन ड्यू टू, यस करेक्ट, करेक्ट हुसैन, करेक्ट। लेस ऑक्सीजन सप्लाई टू हार्ट मसल्स, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 120, मैच द आइटम गिवन इन कॉलम वन विद दोज इन कॉलम टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम वन फर्स्ट हार्ट साउंड, सेकेंड हार्ट साउंड, लब डब। यस अंशुमान, करेक्ट। ज्योति, करेक्ट। तो फर्स्ट हार्ट साउंड, फर्स्ट हार्ट साउंड इज ड्यू टू क्लोजर ऑफ ऑरिकुलर एंड वेंट्रिकुलर वॉल्स। सेकेंड हार्ट साउंड, सेकेंड हार्ट साउंड इज ड्यू टू क्लोजर ऑफ वॉल्व ऑफ आर्चेस। लव, लव इज क्लोजिंग ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड। डब, दिस इज क्लोजिंग ऑफ सेमीलूनर वॉल्व। तो फर्स्ट हार्ट साउंड इज, फर्स्ट हार्ट साउंड ये प्रोड्यूस होगी बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व की वजह से, ऑरिक्यूलर और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व है, ऑरिक्यूलर वेंट्रिकुलर वॉल्व, ऑरिक्यूलर वेंट्रिकुलर वॉल्व, इनकी वजह से होगी फर्स्ट हार्ट साउंड। और ये कैसी होगी? लॉन्गर ड्यूरेशन, लॉन्गर ड्यूरेशन। और पिच कैसी होगी? लो पिच या हाई पिच? लो पिच और हाई पिच, कैसी पिच होगी? लो पिच और हाई पिच, फर्स्ट हार्ट साउंड इज ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन, लो पिच होगी या हाई पिच होगी? यस दिस इज लो पिच, लो पिच वॉइस होगी, लॉन्गर ड्यूरेशन होगा, करेक्ट। सिस्टोल, सिस्टोल इज बिटवीन, सिस्टोल किसके बीच में होगा? फर्स्ट एंड सेकंड और सेकंड एंड फर्स्ट, फर्स्ट एंड सेकंड और सेकंड और फर्स्ट। पल्मोनरी आर्च, आर्च इज पल्मोनरी आर्च, एओर्टिक आर्च, आर्च इज पल्मोनरी आर्च, एओर्टिक आर्च। सिस्टोल इज बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड हार्ट साउंड और सेकंड एंड फर्स्ट।
दिस इज फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट हार्ट साउंड और सेकेंड हार्ट साउंड के बीच में, फर्स्ट हार्ट साउंड और सेकेंड हार्ट साउंड, इसके बीच में होगा सिस्टोल। फर्स्ट हार्ट साउंड किसकी वजह से होता है? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, और जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन खत्म होगा तब सेकेंड हार्ट साउंड। तो सिस्टोल किसके बीच में हुआ? फर्स्ट एंड सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 121, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम वन विद दोज ऑफ कॉलम टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। एट्रियल सिस्टोल 0.4 सेकेंड, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.1 सेकेंड, ज्वाइंट डायस्टोल 0.3 सेकेंड। यस करेक्ट, ए इज सेकेंड। एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड का, वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितना होता है 0.3 सेकेंड का, ज्वाइंट डायस्टोल इज ऑफ 0.4 सेकेंड। करेक्ट, ए इज टू, बी इज थर्ड एंड सी इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 122, मैच द आइटम गिवन इन कॉलम वन विद दोज इन कॉलम टू, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन। 125 ml पर मिनट फिल्ट्रेट, दिस इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर एब्जॉर्ब इन PCT प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। 1.5 liter यूरिन रिलीज पर डे एंड 300 milliosmol पर लीटर, दिस इज इंटरस्टिशियम इन कॉर्टेक्स। मेडुला में आकर के ये हो जाएगा 1200 milliosmol पर लीटर। यस, तो फोर्थ फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यस 122 का करेक्ट आंसर हुआ हमारा फोर्थ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 123, मैच द आइटम गिवन इन कॉलम वन विद दोज इन कॉलम टू, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन। वासा रेक्टा, वैसोप्रेसिन, एंजियोटेंसिनोजन एंड स्टोरेज ऑफ यूरिन। तो स्टोरेज ऑफ यूरिन इन यूरिनरी ब्लैडर, एंजियोटेंसिनोजन दिस इज फ्रॉम लिवर से प्रोड्यूस होगा, वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन, एंड वासा रेक्टा दिस इज काउंटर करेंट मैकेनिज्म। यस 123 इज 4, 1, 2, 3, यस करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 124, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स कैन स्टिमुलेट एरिथ्रोपोइसिस। हार्मोन ऑफ किडनी, पैराथायरॉयड हार्मोन, प्रोजेस्ट्रॉन ऑफ ओवरी, एट्रियल नैट्यूरेटिक फैक्टर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स कैन स्टिमुलेट एरिथ्रोपोइसिस। यस करेक्ट, हार्मोन ऑफ किडनी, और कौन सा हार्मोन, विच हार्मोन, हार्मोन कौन सा है ये, विच हार्मोन। यस आंसर सही है आप सबका, गोकुल, गोकुल यादव, जुनैद, कीर्ति दास, अवंतिका, मिस्टर स्मार्ट, यस जुनैद, प्रशांत, नेहा गुप्ता। नेहा गुप्ता क्वालिटी इनहेंस कर लो वीडियो की। यस एरिथ्रोपोइटिन करेक्ट, किडनी से पूछा जा रहा है, हार्मोन ऑफ किडनी, किडनी में कॉर्टिसोल कहाँ से आ जाएगा, एरिथ्रोपोइटिन, एरिथ्रोपोइटिन इज द हार्मोन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 125, कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट इन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन। इट इज स्टोर्ड इन गॉल्गी बॉडी, इट इज रिलीज इन सार्कोप्लाज्म एंड बाइंड्स विद ट्रोपोमाइसिन, एक्टिवेट्स द मायोसिन एटीपेज बाय बाइंडिंग टू इट, बाइंड्स विद ट्रोपोनिन एंड रिमूव द मास्किंग साइट फॉर मायोसिन। यस करेक्ट, तो कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट, बाइंड्स विद ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन में तीन कंपोनेंट्स हैं CT and I, सी के साथ बाइंड करेगा, और मास्किंग साइट फॉर मायोसिन, इसके अनमास्किंग करेगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 126,
द ट्रांसपेरेंट लेंस इन द ह्यूमन आई इज डिवाइडेड डिवाइड्स द आई चैम्बर इन टू द ट्रांसपेरेंट लेंस इन द ह्यूमन आई डिवाइड्स द आई चैम्बर इन टू Yes, correct. Correct. Anterior chamber is with anterior chamber. ये किसके किसके बीच में होगा? Anterior chamber is between cornea and anterior chamber. Answer आप लोगों का सही है. Aqueous humor and vitreous humor, aqueous chamber and vitreous chamber. नवीन सर की क्लास 11 बजे है. इट इज इट विल स्टार्ट एट 11 AM सॉरी 11 PM. कॉर्निया एंड आयरिस लेंस नहीं, कॉर्निया एंड आयरिस, कॉर्निया एंड आयरिस एंड पोस्टीरियर चैम्बर, पोस्टीरियर चैम्बर, पोस्टीरियर चैम्बर इज बिटवीन posterior chamber is between iris and yes iris and lens correct आयरिस और लेंस के बीच में पोस्टीरियर चैम्बर और एंटीरियर चैम्बर और लेंस जो होगा ये डिवाइड करता है एक्वस ह्यूमर और विट्रियस ह्यूमर करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 127 विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर और रीजन्स इज इनकरेक्टली मैच्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर और रीजन इज इनकरेक्टली मैच्ड. सेरेब्रल हेमिस्फीयर टू राइट एंड लेफ्ट हाफ ऑफ सेरेब्रम एसोसिएशन एरिया responsible for complex function like memory and communication. Cerebral aqueduct, a canal passes through midbrain, pons, brain is connected to spinal cord. Yes, correct. Pons, brain is connected to spinal cord. Pons, medulla get through spinal cord. Medulla hoga. न्यूमोटैक्सिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर ये कहां पर है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज प्रेजेंट इन यस पॉन्स करेक्ट. फंक्शन क्या होगा इसका? फंक्शन ऑफ न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज दिस इज लिमिट इंस्पायरेशन, लिमिट इंस्पायरेशन, लिमिट इंस्पायरेशन. सेरेब्रल एक्विडक्ट ऑल्सो नोन एज, सेरेब्रल एक्विडक्ट ऑल्सो नोन एज, सेरेब्रल एक्विडक्ट इज ऑल्सो नोन एज यस करेक्ट एटर और एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस. दिस इज ऑल्सो नोन एज एटर और एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस. और ये किन वेंट्रिकल्स को कनेक्ट करेगा? सेरेब्रल एक्विडक्ट विल कनेक्ट विच टू वेंट्रिकल्स? सेकेंड एंड थर्ड, थर्ड एंड फोर्थ. सेरेब्रल एक्विडक्ट विल कनेक्ट थर्ड एंड फोर्थ, सेकेंड एंड थर्ड वेंट्रिकल्स, विच टू वेंट्रिकल्स. यस करेक्ट, करेक्ट.
थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन नंबर 128। नेसल बॉडीज आर मेनली प्रेजेंट इन श्वान सेल, ऑस्टियोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, न्यूरॉन्स। नेसल्स बॉडीज यस करेक्ट, डायोसील एंड मेटासील करेक्ट, यस न्यूरॉन्स करेक्ट, एबसेंट न्यूरॉन्स में, एक्सॉन्स में एबसेंट, एबसेंट इन एक्सॉन्स करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 129। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेरॉइड हार्मोन, एपिनेफ्रिन, इंसुलिन, कॉर्टिसोल, थायरोक्सिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेरॉइड हार्मोन, यस करेक्ट, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल इज ए टाइप ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड करेक्ट, और मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज कॉर्टिसोल करेक्ट। एपिनेफ्रिन इज प्रोटीन हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन या अमाइनो एसिड? एपिनेफ्रिन इज प्रोटीन हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन, थायरोक्सिन नहीं है यूनिवर्स, स्टेरॉइड हार्मोन। यस अमाइनो एसिड करेक्ट, और थायरोक्सिन किस अमाइनो एसिड से, किस अमाइनो एसिड के आयोडीनेशन से, किस अमाइनो एसिड के आयोडीनेशन से बनेगा थायरोक्सिन? थायरोक्सिन फ्रॉम आयोडीनेशन ऑफ विच अमाइनो एसिड? थायरोक्सिन किस, यस टायरोसिन करेक्ट, टायरोसिन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 130। अगेव रिप्रोड्यूस बाय ऑफसेट, ट्यूबर, बल्बिल्स, लीफ मार्जिन। क्वेश्चन नंबर 130। यस टायरोसिन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 130 अगेव, यस बल्बिल्स करेक्ट, बल्बिल्स ऑफसेट, वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लेट्यूस, वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लेट्यूस। क्वेश्चन नंबर 131। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स वंस इन इट्स लाइफ टाइम, बैम्बू स्पीसीज, राइस, मैरीगोल्ड, वीट। फ्लावर्स वंस इन इट्स लाइफ टाइम, बैम्बू, राइस, मैरीगोल्ड, वीट। यस पिस्टिया अनुश्री करेक्ट। गलत, यस रुखसाना करेक्ट, यस अंशुमन करेक्ट करेक्ट, अनुश्री करेक्ट, केसी भाई करेक्ट, यस ऑल ए बी सी एंड डी। ये सारे क्या है, ये एनुअल है, एनुअल मोनोकार्पिक, एक साल में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेंगे। बैम्बू स्पीसीज क्या है, पेरेनियल मोनोकार्पिक, दिस इज पेरेनियल मोनोकार्पिक, एक ही बार फ्लावरिंग होगी, लेकिन ये कैसा है, बहुवर्षीय है, पेरेनियल मोनोकार्पिक। और राइस, मैरीगोल्ड, वीट, मैरीगोल्ड मोस्टली एनुअल है, तो राइस एंड वीट एनुअल, तो करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 132। In many species of there is a tight one-to-one relationship with the pollinator species of wasp. Question number 132.
Yes, 132 is fig. Fourth, correct. Fig is the tree. Question number 133. Pollen grain can be stored in a liquid nitrogen having a minus 196 degree centigrade temperature. Useful in breeding program, recombination, fisheries, sericulture. Pollen grain can be stored. Yes, correct. Breeding programs, correct. Question number 134. Syngamy is fusion of two male gametes of a pollen tube with two different eggs. Fusion of one gamete with one egg. 134. Yes, 134 is D. Correct. Fusion of one male gamete with one egg. And syngamy was discovered by. Syngamy was discovered by and double fertilization and triple fusion. Syngamy was Strasburger, correct. Akash Senapati. Strasburger, correct. And double fertilization and triple fusion. This was discovered by Navashin and Gignard. This was discovered by Navashin and Gignard. Question number 135. Which of the following non-biodegradable? Non-biodegradable कौन सा है? Pollen kit, oil content, cellulosic layer, sporopollenin. Question number 135. Yes, correct. 135 is fourth. Non-biodegradable is sporopollenin. Hexyne, discontinuous layer. Entine, continuous layer. Cellulose, pectin. Which of name match the item given in column 1 with those in column 2 and select the correct option. Menarche, menopause, ovulation. Question number 136. Menarche is begins at puberty, first menstruation. Menopause is cessation of menstrual cycle. Ovulation, release of ovum. A is 2, B is 3rd, C is 1st. Yes, correct. Second. Question number 137. Hormone secreted by placenta to prove the pregnancy is. Hormone to prove the pregnancy. HPL, SCG, estrogen, relaxin. Yes, correct. SCG. Human chorionic gonadotropin. और इस टेस्ट का नाम क्या है? यूरिन में जो हार्मोन डिटेक्ट करता है, दैट टेस्ट इज नोन एज यूरिन में एससीजी का अमाउंट डिटेक्ट करेगा दैट टेस्ट इज नोन एज ग्रेविंडेक्स टेस्ट एससीजी इन यूरिन क्वेश्चन नंबर 138 माइल्ड यूटराइन कॉन्ट्रैक्शंस कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इज ड्यू टू Placenta as well as fully developed fetus. Okay, Anshuman. Yes, correct. This is first.
क्वेश्चन नंबर 139, द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, ओजेनेसिस ओवा, क्वेश्चन नंबर 139। यस अवनीश करेक्ट, स्टडी वर्म करेक्ट, यूनिवर्स करेक्ट। यस इन स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड व्हाइल ओजेनेसिस हैप्लॉइड ओवम आर प्रोड्यूस्ड। क्वेश्चन नंबर 140, द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट्स टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज, स्मॉल डोज ऑफ आइदर प्रोजेस्ट्रॉन और प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन कॉम्प्लेक्स, ऑल आर करेक्ट। तो ये प्रोजेस्ट्रोजन ओनली पिल या कंबाइंड पिल्स, प्रोजेस्ट्रोजन ओनली पिल्स या फिर कंबाइंड पिल्स, प्रोजेस्ट्रोजन और ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन, कंबाइंड पिल्स। फंक्शन क्या होगा इसका, प्रिवेंट ओव्यूलेशन, प्रिवेंट ओव्यूलेशन, सर्वाइकल म्यूकस की थिकनिंग, एंड प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन। प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन, ऑल आर करेक्ट। यस क्वेश्चन नंबर 141, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, हैंकिंग पॉइंट द टर्म लिंकेज टी एच मॉर्गन गिवन एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन फॉर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, पनेट स्क्वायर वॉज डेवलप्ड बाय अमेरिकन साइंटिस्ट डाउन एसोसिएटेड विद टर्नर सिंड्रोम, करेक्ट स्टेटमेंट। तो टर्म लिंकेज वॉज पॉइंट बाय टी एच मॉर्गन, टी एच मॉर्गन गिविन एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन फॉर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। एंड पनेट स्क्वायर वॉज डेवलप्ड बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट रेगिनाल्ड सी पनेट। क्वेश्चन नंबर 142, ए कपल विद बोथ कैरियर्स ऑफ सिकल सेल एनीमिया प्लानिंग टू गेट मैरिड वांट्स टू नो द चांसेस ऑफ हैविंग एनीमिक प्रोजेनी। तो सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव कैरियर्स हैं दोनों, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए, स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए, 50% कैसे हो जाएगा। यस ज्योति करेक्ट, अमृतराज आर्यन करेक्ट, अंशुमन करेक्ट। यस 25% ऑटोसोमल रिसेसिव है तो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन होगी तभी तो होगा, तो सिर्फ चार में एक ही में हो रही है, 25%, सिंपल सा कैलकुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 143, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट प्लियोट्रॉपी इन ह्यूमन, प्लियोट्रॉपी वन जीन मेनी कैरेक्टर्स, पॉलीजीन वन कैरेक्टर मेनी जीन। यस थर्ड करेक्ट। तो फेनाइल कीटोनूरिया, फेनाइल कीटोनूरिया में एंजाइम कौन सा डेफिशिएंट होगा, एंजाइम कौन सा, एंजाइम कौन सा अफेक्टेड होता है, यस फेनाइलएनिलीन को टायरोसिन में नहीं कन्वर्जन नहीं होगा, करेक्ट।
एंजाइम कौन सा होगा? यस आकाश सेनापति, करेक्ट। फेनिल एनालिन हाइड्रोक्सीलेज, फेनिल एनालिन हाइड्रोक्सीलेज। तो वन जीन एग्जिबिट मल्टीपल फिनाइल कीटोनुरिया डोमिनेंस, ए बी एंड सी, करेक्ट। प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया भी है, इज इट ट्रू और फॉल्स? प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया भी है, इज इट ट्रू और फॉल्स? इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? सिकल सेल एनीमिया इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ फेनाइल कीटोनुरिया, ट्रू और फॉल्स? यस करेक्ट, एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन का भी एग्जाम्पल है। सब्स्टिट्यूशन, पॉइंट म्यूटेशन में सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन में ट्रांसवर्जन। क्वेश्चन नंबर 144, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग फ्रैंकोइस जैकब जैक मोनार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन ग्रिफिथ, ट्रांसक्रिप्शन टेलर, स्प्लाइसिंग एलेक जेफरीज। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वॉज गिवन बाय एलेक जेफरीज। ट्रांसफॉर्मेशन ग्रिफिथ्स, करेक्ट। ट्रांसफॉर्मेशन ग्रिफिथ्स। क्वेश्चन नंबर 145, द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वॉज फर्स्ट शोन इन बैक्टीरिया बाय ग्रिफिथ, टेलर, मेसेलसन एंड स्टॉल एंड बेटसन। क्वेश्चन नंबर 145, यस करेक्ट अवनीश, मेसेलसन एंड स्टॉल। और इन्होंने क्या यूज किया था? रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन और हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन और हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म वॉज यूज बाई ई कोलाई। सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, यस हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन वॉज यूज, N50, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 146, विच ऑफ द फॉलोइंग बाइंड्स विद ऑपरेटर जीन इन लैक ऑपरॉन, लैक्टोज, एक्टिव रिप्रेसर, इनएक्टिव रिप्रेसर, परमीएज। विच ऑफ द फॉलोइंग बाइंड्स विद ऑपरेटर जीन इन लैक ऑपरॉन, यस ध्रुव गांगुली करेक्ट, अनुश्री करेक्ट, ज्योति करेक्ट, कोमल सरोत करेक्ट, हर्षिता करेक्ट, N15। यस करेक्ट, रिप्रेसर, एक्टिव रिप्रेसर, यस। क्वेश्चन नंबर 147, AGGT8TCGC80 इज अ सीक्वेंस फ्रॉम द टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ अ जीन, व्हाट विल बी द करेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ द ट्रांसक्राइब्ड mRNA। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड से कॉम्प्लीमेंटेरिटी शो करेगा mRNA ए के साथ, यू, जी के साथ सी, जी के साथ सी, टी के साथ ए, ए के साथ यू, टी के साथ ए, सी के साथ जी, जी के साथ सी, सी के साथ जी, ए के साथ यू, टी के साथ ए। यस करेक्ट, डी। और यहां पर एंड कौन सा होगा? ये 3'5' एंड होगा या 5'3' एंड होगा? कौन सा एंड होगा? ये आंसर सही है आप लोगों का, एंड कौन सा होगा, 3'5' या 5'3'? यस
करेक्ट, दिस इज 5'3'। 5'3' टेम्पलेट स्टैंड का कितना होता है? 3'5'। 3'5', ये होगा टेम्पलेट स्टैंड का। एमआरएनए का होगा 5'2'3'। एमआरएनए, और इससे जो प्रोटीन बनेगी, प्रोटीन में इधर एन एंड और इधर सी एंड। क्वेश्चन नंबर 148, वुमेन हैज एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन कंडीशन, एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन कंडीशन ऑन वन ऑफ आर एक्स क्रोमोसोम्स एंड मैरी विद ए मैन हैविंग ए होलेंड्रिक जीन। होलेंड्रिक जीन मतलब वाई क्रोमोसोम पे है वो जीन। पॉसिबिलिटी ऑफ द प्रोजेनी, ऑल सन सफर फ्रॉम रिसेसिव डिसऑर्डर एंड ऑल डॉटर सफर फ्रॉम रिसेसिव डिसऑर्डर। ऑल प्रोजेनी आर नॉर्मल, वन सन सफर फ्रॉम रिसेसिव एंड ऑल सन हैविंग होलेंड्रिक जीन। यस करेक्ट, दिस इज फोर्थ, करेक्ट 148 इज फोर्थ, क्योंकि वुमेन के पास एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन, तो ये सन को जाएगा। वाई होलेंड्रिक जीन, तो लेकिन ये एक में नॉर्मल भी जाएगा, एक सन में ये नॉर्मल होगा, एक सन अफेक्टेड होगा रिसेसिव, और वाई जो होगा ये सन फादर से सन में ही जाएगा, फादर टू सन ओनली। तो ऑल सन हैविंग होलेंड्रिक जीन और वन सन सफर फ्रॉम रिसेसिव, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 149, अकॉर्डिंग टू डार्विन द मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन इज मल्टीपल स्टेप ऑफ म्यूटेशन, नेचुरल सेलेक्शन, साल्टेशन, माइनर म्यूटेशन। अकॉर्डिंग टू डार्विन द मैकेनिज्म ऑफ इश, अकॉर्डिंग टू डार्विन द मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन, क्यों दिमाग जम गया था सीमा? यस नेचुरल सेलेक्शन, करेक्ट नेचुरल सेलेक्शन। साल्टेशन सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डी व्रीज सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। रैंडम एंड डायरेक्शनलेस, रैंडम डायरेक्शनलेस, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 150, द सिमिलैरिटी ऑफ विंग्स स्ट्रक्चर इन द इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलॉगी, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, एनालॉगी। यस सिमिलैरिटी ऑफ विंग्स स्ट्रक्चर इन द इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स, यस एनालॉगी करेक्ट, दिस इज एनालॉगी, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 151, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन सेटिंग इन इट वॉज ऑब्जर्व दैट देयर वर मोर व्हाइट विंग्ड मॉथ्स ऑन ट्रीज देन डार्क विंग्ड इन इंग्लैंड। इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप्ड आफ्टर 1850s, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन दैट इज इन 1920 देयर वर मोर डार्क विंग्ड मॉथ्स इन द सेम एरिया ऑफ इंग्लैंड। व्हाइट विंग मॉथ डिड नॉट सर्वाइव ड्यू टू प्रेडेटर्स बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। यस करेक्ट थर्ड, ये बिफोर नहीं, ये आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, बाकी करेक्ट है ए बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 152, मॉर्टेलिटी रिफर्स टू डेथ रेट, नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिविंग, बर्थ रेट, नंबर ऑफ इंडिविजुअल एंट्रिंग। मॉर्टेलिटी इज डेथ रेट, नेटेलिटी इज बर्थ रेट। यस करेक्ट, दिस इज डेथ रेट। क्वेश्चन नंबर 153, ऑर्गेनिज्म विच ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम आर पैसिफिक सैल्मन फिश एंड बैम्बू, बर्ड्स एंड मैमल्स, ऑयस्टर्स, पिलेजिक फिश,
153. Yes, first Pacific salmon fish and bamboo, correct. Question number 154. What type ecological pyramid would be obtained with the following data? सात लाख आठ हजार साढ़े तीन लाख 58 लाख प्राइमरी प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा, फिर प्राइमरी कंज्यूमर उससे कम, सेकेंडरी कंज्यूमर उससे कम, तो ये क्या होगा? अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर. क्वेश्चन नंबर 154. फर्स्ट नहीं आइंस्टीन, नंबर दिया हुआ है, पिरामिड ऑफ नंबर. नेहा गुप्ता, फिजिक्स क्लास इज एट 11 PM. दिस इज पिरामिड ऑफ नंबर. वन स्पीसीज इज हार्म्ड वेयर एज द अदर इज अनअफेक्टेड. सच टाइप ऑफ इंट्रैक्शन इज कॉल्ड माइनस जीरो. ये किस टाइप का इंट्रैक्शन हुआ? 155. नेहा, इट इज एट 11 PM. यस, अमेंसलिज्म, करेक्ट, अमेंसलिज्म. एंड प्लस जीरो इज, प्लस जीरो टाइप ऑफ इंट्रैक्शन इज कमेंसलिज्म, करेक्ट. दिस इज कमेंसलिज्म. तो पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम और स्टेफिलोकॉकस, स्टेफिलोकॉकस ये किसका एग्जाम्पल हुआ? पेनिसिलियम नोटेटम एंड स्टेफिलोकॉकस, इसका किस टाइप का इंटरेक्शन होगा? पेनिसिलियम नोटेटम एंड स्टेफिलोकॉकस. यस, अमेंसलिज्म, करेक्ट. दिस इज अमेंसलिज्म. और जो केमिकल होंगे दैट इज एलोकेमिक्स, केमिकल्स जिनकी वजह से दूसरे की ग्रोथ रुकती है, दूसरे स्पीसीज की, उस केमिकल को बोलते हैं एलोकेमिक्स. क्वेश्चन नंबर 156. फाइंड द रॉन्गली मैच्ड पेयर. Endemism, species confined to one region and not found. Hot spots, region with species richness. Alien species to India, Clarius garipinus. Lungs of the planet, Kelado National Park. Kelado National Park in Bharatpur, Rajasthan. Lungs of the planet is Amazon rainforest. Rainforest. तो फोर्थ 156. यस. क्वेश्चन नंबर 157. विच वन इज बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट? वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालयाज, बोथ वन एंड थ्री. विच वन इज बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट? हो सकता है ऐप में करेक्शन रह गया हो, माइट बी पॉसिबल. यस, बोथ वन एंड थ्री, करेक्ट. वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न हिमालयाज, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स. क्वेश्चन नंबर 158. कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन बर्ड्स गेट डिस्टर्ब ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ मर्करी, कैडमियम, डीडीटी, लेड.
क्वेश्चन नंबर 158, यस इट इज सी, डीडीटी, करेक्ट, बायो मैग्निफिकेशन, शेल मेटाबॉलिज्म, यूट्रोफिकेशन इज एक्सेस ग्रोथ ऑफ, यूट्रोफिकेशन इज एक्सेस ग्रोथ ऑफ ब्रायोफाइट्स, एल्गी एंड एक्वेटिक प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म्स, टेरिडोफाइट्स. यस करेक्ट. यस एल्गी एंड एक्वेटिक प्लांट्स, करेक्ट, एल्गी एंड एक्वेटिक प्लांट्स. क्वेश्चन नंबर 160, ओजोन होल एनहांसेस अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस रीचिंग अर्थ, नंबर ऑफ कैटरेक्ट्स, स्किन कैंसर्स, ऑल ऑफ द अबव. ओजोन होल एनहांसेस, यस करेक्ट, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ द अबव. एंड ओजोन थिकनेस यूनिट, यूनिट क्या होगा इसका, यस ऑल इज करेक्ट. यस डॉब्सन यूनिट, करेक्ट डॉब्सन. क्वेश्चन नंबर 161, मैच द आइटम्स मैचिंग झूम कल्टीवेशन, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, फोम, फ्रेंड्स ऑफ आर्कटा मार्श, जीरो वेस्ट प्रोसीजर, हरियाणा किसान वेलफेयर, चिपको मूवमेंट, गढ़वाल हिमालया, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, यस करेक्ट, 161 इज सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 162, ओरिजिन ऑफ इंटरफेसिकुलर लेटरल कैम्बियम, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी. इंटरफेसिकुलर, फेसिकुलर एंड इंटरफेसिकुलर, दिस इज फेसिकुलर कैम्बियम और ये होगी इंटरफेसिकुलर कैम्बियम. इंटरफेसिकुलर इन बिटवीन टू बंडल्स, इंटरफेसिकुलर. यस प्रियंका, गुड इवनिंग. यस करेक्ट, सेकेंडरी, करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 163, सेकेंडरी कॉर्टेक्स एंड कॉर्क इन डाइकॉट स्टेम इज प्रोड्यूस्ड बाय. सेकेंडरी कॉर्टेक्स एंड कॉर्क इन डाइकॉट स्टेम इज प्रोड्यूस्ड बाय एपिकल मेरिस्टेम, फेलोजेन, वैस्कुलर कैम्बियम, एक्सिलरी मेरिस्टेम. क्वेश्चन नंबर 163, यस करेक्ट, फेलोजन, बाहर की तरफ कॉर्क फेलम और अंदर की तरफ फेलोडर्म्स, दैट इज सेकेंडरी कॉर्टेक्स. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द लीव्स इन टेरिडोफाइट आर स्मॉल माइक्रोफिल्स एज इन सिलेजिनेला, फर्न में मैक्रोफिल्स, स्फैग्नम आर जिम्नोस्पर्म्स, द फर्स्ट स्टेज इन मॉस इज द लीफी स्टेज एंड एंथ्रोसाइट फ्यूजेस विद द एग टू प्रोड्यूस द ओस्फियर, ओस्फियर इज एग. यस 164 इज ए, करेक्ट, 164 इज ए. द लीव्स इन टेरिडोफाइट आर स्मॉल माइक्रोफिल्स एज इन सिलेजिनेला, मैक्रोफिल्स इन फर्न और ओस्फियर इज एग. क्वेश्चन नंबर 165, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग मिडिल लैमेला ऑफ प्लांट सेल, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम.
यस दिस इज कैल्शियम, करेक्ट, मेनली कैल्शियम, कैल्शियम पेक्टेट. क्वेश्चन नंबर 166, व्हेन H2S इज द हाइड्रोजन डोनर फॉर पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इज सल्फर सल्फेट एनी टू ऑक्सीजन. यस अक्षय, बट कैल्शियम इज मेजर. यस एनी टू करेक्ट, सल्फर और सल्फेट. क्वेश्चन नंबर 167, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोटॉन इन ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन फोटोसिंथेसिस. तो दिस विल जनरेट प्रोटॉन मोटिव फोर्स. एटीपी सिंथेस इज लिंक्ड. यस करेक्ट, एटीपी सिंथेसिस इज लिंक्ड टू डेवलपमेंट ऑफ ए प्रोटॉन ग्रेडियंट. प्रोटॉन मोटिव फोर्स इज जनरेटेड. क्वेश्चन नंबर 168, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स कॉपर एब्जॉर्ब बाय प्लांट. कॉपर किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा प्लांट से? क्यूप्रिक, फ्री एलिमेंट, क्यूप्रस, बोथ क्यूप्रिक एंड क्यूप्रस, Cu++. यस 168 इज फर्स्ट क्यूप्रिक. क्वेश्चन नंबर 169, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल. ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, पायरुविक एसिड, सक्सिनिल कोएंजाइम ए, आइसोसिट्रिक एसिड. तो ये सारे ही होते हैं पायरुविक एसिड. दिस इज एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस. ए नहीं होगा आइंस्टीन. ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, एसिटाइल कोएंजाइम ए विल फॉर्म सिट्रिक एसिड. यस पायरुविक एसिड एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस. क्वेश्चन नंबर 170, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज एज ए वैक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग ए डीएनए फ्रैगमेंट इन प्लांट्स. प्लांट्स में पूछा गया है रेट्रोवायरस इज यूज एज ए वैक्टर इन एनिमल्स. प्लांट्स के लिए टीआई प्लाज्मिड. यस टीआई प्लाज्मेट, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मेट, ऑल्सो नोन एज नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर. क्वेश्चन नंबर 171, PBr322 इज ए फेज यूज एज ए वेक्टर, बैक्टीरिया यूज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ए प्लाज्मिड यूज एज ए वैक्टर. PBr322. यस करेक्ट, दिस इज ए सिंथेटिक प्लाज्मिड, मैन मेड प्लाज्मिड यूज एज ए वैक्टर. प्यूरिफाइड आइसोलेटेड डीएनए मॉलिक्यूल आफ्टर आइसोलेशन प्रेसिपिटेट्स इन बॉइल्ड एथेनॉल, चिल्ड एथेनॉल, फ्रेश वॉर्म वाटर, ऑयल और लिपिड. प्यूरिफाइड आइसोलेटेड डीएनए मॉलिक्यूल आफ्टर आइसोलेशन. यस अंशुमन करेक्ट, यस सीमा करेक्ट, अवनीश करेक्ट, यस अमित राज करेक्ट, दिस इज चिल्ड एथेनॉल. क्वेश्चन नंबर 173,
HGP was closely associated with the rapid development of a new area in biology called as Human Genome Project, bioinformatics. Yes, correct. 173rd is first, bioinformatics. Question number 174. In a stratosphere, which of the following elements acts as a catalyst in degradation of ozone and release of molecular oxygen? So, chlorofluorocarbons. Yes, chlorofluorocarbons, chlorine. Yes, 174. Question number 175. Which of the following pair is correctly matched? Star synthesis in P, pleiotropy, exotype, sex determination, humans, ABO blood grouping, polygenic, sickle cell anemia dominant. So here recessive, autosomal recessive, ABO blood grouping, multiple alleles, XY type of inheritance, star synthesis in P. This is example of pleiotropy, correct? First. Question number 176. Which of the following is congenital disease? AIDS, SCID, malaria, corona. Which of the following is congenital disease? Yes, 176 is B, correct. SCID, severe combined immunodeficiency. Both B and T cells are affected. Question number 177. Pepper capsule latex. Pepper somniferum ke capsule latex of the capsule. Isse kya obtained hoga? Question number 177. Yes, this is C, correct. SMAC, correct. Question number 178. How many embryonic and extra embryonic membrane formed in an embryo of mammals? How many embryonic and extra embryonic membrane formed in an embryo of mammals? Embryonic 3, extra embryonic 4. Yes, correct. 3 and 4. Ectoderm, mesoderm, endoderm, embryonic. Extra embryonic, chorion, yolk sac, allantois, amnion. Yes, correct. 3 and 4. Question number 179. Which of these statements is incorrect? 179. Correct answer is first. Enzyme of TCA cycle are present in mitochondrial matrix except acotinase. Acotinase nahi. Succinic dehydrogenase. Succinic dehydrogenase. And question number 180. Which of the following events occur in smooth endoplasmic reticulum? Question number 180. Yes, correct. Steroid synthesis. Thank you all of you. We have covered all the questions. Good night. Take care.
बाय, टेक केयर मिस्टर स्मार्ट, हर्षिता, यूनिवर्स, अनुश्री, अवंतिका, शिखा, रीमा गुप्ता, या सी यू सून, यू टू हैव स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट. Bye.